हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वेडिंग ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, मैं आई हूँ पार्लर पे क्योंकि मुझे करानी थी आज थ्रेडिंग, क्योंकि आज ही हम लोग को जाना है शादी में। सो आज थ्रेडिंग करा लेते हैं इनसे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लुक्स ब्यूटी पार्लर। बहुत नहीं है, मैं 3 साल से कर रही हूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया, 3 साल से कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ पहले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक। सो गाइस, थ्रेडिंग बनवाने के बाद अब हम वहाँ से निकल आए हैं। तो ये यहाँ से हॉर्न के लिए कुछ ले रहे थे शॉप से, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो बैलून से ही ले लेता हूँ, और भी चीज़ें ले रहे थे। मैंने कहा क्या करेंगे, बच्चे खेलते नहीं, सारे टॉयज वगैरह ऐसे ही रखे रहते थे। फिर यहाँ से हमने बैलून्स लिए, फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ दुकान पर। तो यहाँ से भी हम लोग को कुछ सामान लेना था, वो लिया। फिर अभी हम आ गए हैं छोले भटूरे खाने के लिए। को पसंद नहीं आया, फूला चाहिए, फूले फूले। तो गाइस, यहाँ से छोले भटूरे खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर पे। तो यहाँ पे तो गाइस, घर जब आ ही रहे थे तो रास्ते में हमें जो है ये डीजे साउंड दिखी, क्योंकि ना आज माता विसर्जन का दिन था, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो रही थी, और पूरे रास्ते में हम लोग को माता ही दिखाई दी है। तो यहाँ पे डीजे इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। अभी मैं मार्केट से आ गई घर, और अब जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं शादी में जाने की, क्योंकि मामू के जो है फ़ोन भी आ गया और साथ में वो बुलाने भी आ गए, तो इसलिए अब जाना पड़ेगा। वैसे मेरा मन नहीं था, खैर चलो, अब नई नई रिश्तेदारी है। तो गए, चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ माता, जो कि हमारे घर के सामने से ही निकल रही थी। तो गए, चलिए अब हो जाते हैं रेडी शादी में जाने के लिए। तो आज मेरा प्लान था कि मैं आज साड़ी पहनूँगी। सो गाइस, फाइनली मैं हो गई रेडी। जी हाँ, और ये साड़ी बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही है। सो बस अभी हम लोग निकलते हैं गार्डन के लिए, और अभी फ़ोन भी आ रहे हैं बहुत सारे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ करके, क्योंकि देखो वलीमा है, वलीमा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सारे गेस्ट लोग फिर जाने लग जाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी लेट नहीं होना चाहते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, गार्डन में हम लोग पहुंच गए हैं, और ये है इसका एंट्रेंस। तो बस यहाँ से भी हम लोग जाते हैं। और गाइस ना, यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को कैमरा पकड़ा दिया था ताकि मेरा थोड़ा सा शूट कर लो, क्योंकि उनको ना ऐसा वीडियो शूट करने का ऐसा वो रहता नहीं है, उनको बोलना पड़ता है तब जाकर वो शूट करते हैं। तो गाइस, हम तो आ गए, लेकिन हमारे पहचान वाले एक भी नहीं दिख रहे अभी यहाँ पे। भोपाल से कोई तो मिला हमें, हमारे भाई ही सही क्या? तो गाइस, यही होता है जब आप अनजान जगह शादी में जाते हो ना, जब किसी को आप पहचाने, क्योंकि मैं सिर्फ मामानी और मामू को ही जानती हूँ, अविन मामू को, तो वो लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर उन सभी का वेट कर रहे थे कि कोई तो देखे हमारे पहचान वाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, और फिर उसी के साथ में सभी लोग आना शुरू भी हो गए थे, मामानी, मामू और आशा बाबा जी, भैया, बच्चे, सब लोग वहाँ पर फिर हम लोग को मिल गए थे। जी भी आ लिया, जी भी आ लिया। अजी कौन है? सो गाइस, सब लोगों से मिलने जुलने के बाद अब बारी आ जाती है खाना खाने की। जी हाँ, तो बस यहाँ पर हम लोग का खाना लग गया है, तो आप लोग भी आ जाएं बहुत ही टेस्टी और यमी सा खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था। फिर उसके बाद बारी आ जाती है फ़ोटो क्लिक करवाने की दूल्हा दुल्हन के साथ, जेठ-जेठानी का फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया, तो फिर हम भी गए दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और बहुत सारी दुआएँ देने के लिए उनको, कि अल्लाह ताला उनके जोड़े को हमेशा सलामत बनाए रखे, और ऐसे ही उनकी पूरी ज़िंदगी हंसी हंसी गुजरे।
और उनको कोई भी दुख और तकलीफ़ ना हो, तो आप लोग भी दुआ कर देना उनके लिए, ठीक है। और हमारा ये प्यारा सा जोड़ा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों के फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं, क्योंकि वलीमे के दिन यही सब होता है, फ़ोटोज़ वगैरह ही क्लिक किए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों के, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो गाइस, हमने खाना खा लिया है और हमारे फ़ोटो भी क्लिक हो गए हैं, उन्होंने हमको बधाई भी दे दी है। और बस अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी सबके फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं, वलीमे में यही होता है कि सबके फ़ोटोज़ वगैरह लिए जाते हैं। सो यहाँ पे देखो भैया और ये खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। तो गाइस स्टेज पर सभी लोग खड़े हुए और यहाँ पर ही सारा सामान लगाया गया, जो पर्पल कलर की साइड से आया लड़के वालों के लिए, जो कि चौकी में चलता है सारा सामान, तो वो भी लगा हुआ दिख रहे हैं, इन्हीं से हमारी देख रहे हैं। और साथ में यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये जो पर्पल कलर की ड्रेस में अभी हम लोग मानी, तो इन्हीं से हमारी जान पहचान, इन्हीं के भाई की शादी में हम लोग आए हैं। तो गाइस घर आ चुके हैं बहुत देर के, और घर आने के बाद जो है पूरा कमरा समेटा है अच्छे से, बाकी पूरे में कपड़े मेकअप सब बिखरा पड़ा था, टॉयज़ वगैरह हो रहे ने, इतने सारे लिपस्टिक वगैरह सब मैं बॉक्स यहाँ पर रख कर गई थी, तो सारे लिपस्टिक पूरे में बिखेर दी थी, तो वो सब उठा कर रखी हैं। और बस अभी चेंज वेंज कर लिया है, मेकअप रिमूव कर लिया है, सो बस शादी से हम लोग लौट कर आ गए और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। इस ब्लॉग को मैं करूँगी कल कंटिन्यू, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल जो है मैं सोने के लिए जा रही हूँ, रात के बज रहे हैं 12 और हम वहाँ से जो है आ गए थे 11 बजे हम लोग घर पे आ गए थे। तो अभी 1 घंटा हो गया मुझे सारी चीज़ें समेटते हुए, और ऊपर से फिर ना मैंने कुछ रील्स वगैरह भी शूट की हैं, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जा कर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, bulbul00। क्या तो bulbul007 व्लॉग के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रील्स मैंने वहाँ पे शूट की हैं और शेयर भी करूँगी अभी तो, ठीक है। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ, मेरे चेहरे पर सलन कितनी ज़्यादा आ गई ना, अभी सोकर उठी हूँ ना तो ऐसा लग रहा है, बहुत मोटा मोटा सा फेस। और बस अभी गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, जब भी कहीं जाओ ना थोड़ा सा भी खा लो पूरी वगैरह, बाहर शादी वगैरह घर में तो चाहे खाते रहो तो इतना नहीं होता, लेकिन बाहर का जब खाओ ना पूरी वगैरह तो ना और ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है, तो ऐसा है। यहाँ पे बन रही है मेथी आलू की सब्ज़ी, ये तो इसको मैं भून रही हूँ, इसका जो पानी है ना वो सुखा रही हूँ, बाकी आलू अच्छे से गल चुके हैं, तो ये करते हैं। गाइस देखो कौन आया है, और हारून नहा के आ गए हैं, रेडी होके अपनी दादी के पास खेल रहे हैं। इसमें वैसी करूँगी दूसरी, कयास तुम गए नहीं, अच्छा छुट्टी है तुम्हारी है, क्या कर रहे हो रू, उठ गए? ओ पराठा बना रही है, कहाँ है पराठा? रू का पराठा मेथी आलू का। अच्छा मेथी आलू का पराठा बनाया है रू के लिए, और हम भी मेथी आलू का पराठा खाएंगे, मैं अभी बना रही हूँ।
फिर देर खिला दूंगी उनको। तुम बड़ी तो हो जाओ पहले, तब तो बनाओगे हमारे लिए हैं। बड़ी हो जाओ पहले, फिर बनाया करना खाना हमारे लिए, ठीक। अभी बचपन में बच्चों को बड़ा शौक लगता है बनाने का। पहले मैं भी बनाती थी, मेरे पास एक छोटा चकला बेलन था तो उसमें मैं रोटियां बेलती थी और छोटी छोटी रोटियां बनाती थी मैं। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ। तो देखो गाइस, अब मैं ना आप लोगों को सिखाऊंगी कि मेथी आलू के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। इनको पहले हल्के हाथों से फेरना है स्टफिंग भर के। तो मैंने अलग से ऐसा कुछ नहीं बनाया, मम्मी ने सब्जी बनाई थी मेथी आलू की, उसी को मैंने पराठे के अंदर भर दिया है। हल्के हल्के हाथों से बेलना है तो ये बहुत अच्छे से बेल जाते हैं, चिपकते भी नहीं है और टूटते भी नहीं है, ठीक है। और एक पराठा देखो हमारा डल चुका है तवे पे, अब इसमें लगाएंगे हम घी। पता घी लगा रही है तो गुरु डर रही होता नहीं कि। लो हमारा ये वाला पराठा भी बेल गया है, अब इसको भी डाल दिया कलर देखो। तो इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाना है, अंदर से कच्चा रह जाएगा वरना ये नहीं बेटा इसके अंदर नहीं डाल, वो पूरी फुल है ना इसलिए मैंने ये चम्मच का यूज किया है। देखते हैं नाश्ता करते हैं बढ़िया से, और पोहे ही भी बने रखे हैं। ये देखो पोहा भी बना था, ठीक है। और आप क्या कहना चाहते हैं, चाय पियेंगे क्या आप? नहीं, क्योंकि सर्दी आ गई है, मुझे हो गया है जुकाम, कल शादी में गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी चाय पी लेंगे। चलिए गाइस, मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो बने रहिए चैनल पे और खूब सारी दुआएं देना, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।